क्लास टेंथ का जो संस्कृत है नीति श्लोक का, उसका जो जो पाठ है सात नीति श्लोक का, जो विदुर जी लिखे हुए हैं, उस विदुर नीति से लिया गया है। तो उसी का जो पहला श्लोक है वो क्या है, यस्य कृतज्ञ न विघंति शीत मुक्त भैरति समृद्धि समृद्धवा सर्वे पंडित उच्यते। मतलब क्या होता है कि प्रथम श्लोक के माध्यम से विदुर जी बताए हैं कि पंडित किसे कहेंगे। पंडित मतलब क्या, ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं जिसे हम पंडित कहते हैं, वो किसे कहेंगे, क्या उसकी परिभाषा है। तो करें क्या, अस्त कृतज्ञ न विघंति, जिसको शीत मुक्त भैरति, जिसको किसी गर्मी से या सर्दी से भय नहीं लगता हो, जो भावुक नहीं हो, जो संपन्नता हो जिसके अंदर, उसके अंदर विपन्नता नहीं हो, वह किसी चीज़ के लिए खखाल नहीं है, किसी चीज़ के लिए लड़ाइत नहीं है, किसी चीज़ के लिए लालची नहीं है, वो क्या है, सर्वज्ञानी है, जिसको जो सर्दी गर्मी बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना एकदम भगवान की भक्ति में नील रहते हैं, भगवान को भक्ति में करते रहते हैं हमेशा, उसको सर्दी गर्मी का एहसास भी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है, पंडित कहा जाता है। देखिए शीत माना होता है ठंडा, हम उष्ण, वहीं है शीत में उष्ण, उष्ण का है सवा न, उष्ण उष्ण माना होता है गर्मी, इसको ना सर्दी का भय हो ना ही गर्मी का भय, उसे क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। इसको ना तो समृद्धि का भय है, न चाहता है कि हमको बहुत चीज मिल जाए, और ना ही उसको कुछ खोने का डर है, ना पाने की लालच है, ना खोने का डर है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। सर्वे पंडित उच्यते, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, याद रहेगा। तो ये श्लोक परीक्षा में पूछेगा कि इस श्लोक का अर्थ बताइए, तो उसमें अर्थ बताना होगा, लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए दूसरा नंबर श्लोक क्या है, तत्वज्ञ सर्वभूताना योग्य सर्वकर्मणा। देखिए तत्वज्ञ सर्वभूताना योग्य सर्वकर्मणा, मतलब क्या, सभी तत्वों को जानने वाला, भूत भविष्य को जानने वाला, मतलब जो जो हुआ है उसके बारे में भी जानता है, और जो होने वाला है वो भी जानता है। सर्वकर्मणा, सभी कर्मों को जानता है। उपाग्यो मनुष्याणा नरह पंडित उच्यते, और जो ऐसे लोग, ऐसे जो सब कुछ को जानते हो, योग साधना भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हो, ऐसे लोगों को पंडित कहा जाता है। उसी का हिंदी में शब्दार्थ लिखा है, सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को जानते हो, जो सभी जीवों को आत्मा को जानते हो, रहस्य को जानते हो, सभी के कर्म को जानते हो, सभी के योग को जानते हो, मनुष्य के उपाय को जानने वाले, मनुष्य की हर व्यथा का उपाय को जानते हैं, सभी कष्ट को सुख दुख को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। तो दूसरे श्लोक में, प्रथम श्लोक में भी पंडित की परिभाषा है, और दूसरा श्लोक में भी पंडित की ही परिभाषा है, बात समझ आ गई। चलिए तीसरा नंबर श्लोक क्या है, देखिए अनाहूति अनाहूत प्रविशति अपवृष्टो बहुभाषते। देखिए क्या करा, अनाहूत प्रवस्ति, बिना बुलाए जाता रहता है, बुलाया नहीं है कोई, चला जाएगा फुट दिगर वहां पे। अपवृष्टे बहुभाषते, बिना बुलाए ही बोल रहा हूं, उसको बोलने के लिए कुछ कुछ नहीं कहा, बिना मतलब के वो बोले जा रहा है। अविश्वस्ते विश्वस्ति, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उसी पे विश्वास करेगा, मतलब जिस पे विश्वास करना चाहिए उस पर, और क्या करा, विश्वस्ति, और जिस पे विश्वास करना चाहिए उस पे विश्वास नहीं करता है। मूढ़ चेता नराधाम, उसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, जो बिना बुलाए किसी के घर चल जाता है, बिना कुछ बोले ही फटफट बीच में लबलब बोलने लगता है, और जो जो विश्वास करने वाला चीज है, जो विशेष चीज है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसमें विश्वास ही नहीं करता है, और जिस पर विश्वास नहीं करता है उसी चीज पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। समझ आइए कि वो मूर्ख है, इसलिए आपको मूर्ख नहीं बनना चाहिए, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, बिना जब दो तीन आदमी कहीं को कोई बात कर रहा है तो बिना बोले, बिना आपके कुछ पूछा, बिना मतलब लुक दिगोरी में नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, जिस पे विश्वास करना चाहिए उस पे विश्वास कीजिए, आपका मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 7 महीने का, उस पे विश्वास कीजिए, आपका एक कर्म है, इस पे इस काम को कीजिए, जिस पे न अविश्वास, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे विश्वास नहीं करो, खेल कूद फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो, मैट्रिक एग्जाम है। अविश्वस्ति मतलब जो विश्वास करने वाला चीज़ नहीं, उस पर तू विश्वास दे रहा है, उस पर समय दे रहा है, तो फालतू उसमें समय लगा रहा है, और जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास तू कर नहीं रहा। हम तुम्हारे यहाँ भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं, हम पे तुमको विश्वास नहीं हो रहा, और तुम्हारा 10 को दोस्त और सहेली मिल जाएगा तो उस पर तुम्हें विश्वास हो रहा है, फुआ काकी नानी चाची पर विश्वास हो रहा है तुमको, जो तुम्हारा कुछ भविष्य बिगाड़ने वाला है, सभी का भविष्य बिगाड़ने पर लगा हुआ, उस पर तुमको विश्वास हो रहा है, और जो भविष्य बनाने के लिए यहाँ बैठ के चिल्ला रहा है उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है तुमको, है ना। तो तुम समझो कि मूर्ख हो गए हो तुम,
पक्का मूर्ख हो, क्योंकि मूर्ख आदमी का यही निशानी होता है कि वो बिना बुलाए ही। देखिए क्या लिखा है, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है ना, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए वो अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करता है, और जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास नहीं करता, उसे कहते क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख कहा गया है, याद रखना ये मूर्ख का निशानी है, नहीं होने देना, ठीक है ना। अगला देखिए चौथा नवा श्लोक क्या है, एको धर्म परम श्रेय क्षमय को शांति रूपात्मा विद्या का परमात्मा तृप्ति अहिंसिका सुखवाहा। इसका मतलब क्या है, देखिए एको धर्म, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्या क्षमा शांति रूपात्मा, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। जब कोई व्यक्ति गलती करता है और सामने वाला व्यक्ति उसको क्षमा कर देता है तो उसके दिल में शांति मिलता है, बट समझ रहे ना, शांति मिलता है, अनुभूति होता है, शांति का अनुभूति होता है। सर आपका ना क्षमा कर दिए है, आपके दिमाग में आ रहा है सर जी हम तो कल नहीं आए थे एग्जाम में तो आप हमको पीटे, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर दिए हैं, तभी एब्सेंट किए ना, वो क्षमे किए हैं, क्षमा का भी एक लिमिट होता है ना, सबका एक सीमा होता है, वही बात है। एको धर्म, एक ही धर्म है सबसे श्रेष्ठ, जान ले सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ही धर्म है, क्या एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ, क्षमा शांति रूपात्मा, क्षमा शांति का सबसे अच्छा उपाय है, उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है, विद्या को परमात्मा तृप्ति, विद्या को मतलब का विद्या से परमात्मा मतलब आत्मा की तृप्ति होती है, मन भरता है, मन को शांति मिलती है। और अहिंसा, और क्या अहिंसक, क्या अहिंसका सुखवाहा, और अहिंसा से सुख मिलता है इंसान को। अहिंसा का मतलब होता है किसी जीव को न मारना, किसी जीव को न सताना, किसी को कष्ट नहीं देना, वैसे ऐसे अहिंसा कहते हैं। किसी को कष्ट देना, मारना, गला काटना, किसी का अहित करना, वो अहिंसा कहला, उसको कहते हैं हिंसा। तो अहिंसा करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा करने का मतलब होता है मारकाट, झगड़ा डंड करना, किसी का दिल दुखाना, है ना। तो ये लोग करते हैं ना, ऐसे लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। मतलब जो लोग क्षमा करते हैं, जो लोग संतुष्टि जिसके अंदर है, जो अहिंसा को अपनाते हैं, ऐसे लोग हमेशा सुखी और संपन्न रहते हैं। उसको कभी बेचैनी नहीं होता है, वो कभी घबराते नहीं है, समझ में आया। अगला देखिए, ये पांचवा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिए, क्या कहा देखिए, त्रिविधं नरकस्य देन द्वारं नाशनात्मनः काम। कहा तीन विधि है नरक जाने का, तीन द्वार है, द्वार माने का रास्ता है, गेट है, तीन द्वार है नरक जाने का, नरक जाने का तीन गो द्वार है। मतलब तुमको नरक में जाना है तो तीन गो द्वार में से किसी को चुन लोगे ना तो सीधे तुम नरके में जाओगे, तुमको कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता, सीधे नरक का दरवाजा खुल जाएगा तुम्हारे लिए। वो क्या है सुनिए, सबसे पहला है काम, कामह जो काम करता है, कामह मतलब काम करता है, क्रोधा जो क्रोध करता है, और लोभा और जो लोभ करता है। काम क्रोध और लोभ, क्या काम क्रोध और लोभ, जो काम करता है, जो क्रोध करता है और जो लोभ करता है, वो सीधे नरक में जाता है, नरक में ही जाएगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है काम, अब काम मतलब क्या होता है भाई, ये काम तो करते हैं, हम भी काम करते हैं, देखिए काम जो वर्ड है ना, काम का मतलब है, काम काम का मतलब होता है किसी लड़के, किसी जेंट्स का यानी किसी पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, जो पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण रहता है, जिसको आकर्षित रहता है वो, है ना, यानी कोई लड़का या कोई जेंट्स लेडीज या लड़की के पीछे पड़ा हुआ है वो, और जो लड़की जेंट्स या किसी पुरुष के पीछे पड़ा हुआ है वो, ऐसे व्यक्ति सीधे नरक में ही जाते हैं, ये रास्ता उसका है पक्का। दूसरा नंबर क्रोध, जो आदमी क्रोध करता है, क्रोध मतलब क्या, गुस्सा उसको बार बार पे, छोटी सी बात पे ही गुस्सा करता है, नाक पे ही गुस्सा उसका रहता है, पिनपिनाइल रहता है हमेशा, ऐसे आदमी सीधे नरक में ही जाता है। और तीसरा लोभ, जो दूसरा को सामान देखता है कहता है हमारे पास हो जाता तो ठीक रहता है, ओकरा बाइक है हमारा हो जाता है, ओकरा मोबाइल है हमारा हो जाता है, ओकरा वो चीज़ है हमारा हो जाता है, जो लोभ करता है दूसरे के चीज़ पर ना, वो हमेशा सीधे नरक में जाता है। तीन चीज़, कभी भी गलत संबंधों के प्रति आकर्षित ना होइए, लड़का लड़की का संबंध, स्त्री पुरुष का संबंध भगवान बनाकर भेजते हैं, सबका जोड़ी पहले से ही निर्धारित होता है, बट इस जोड़ी के अलावा कि तीसरा पर ही आप मतलब कि नज़र लगा रहे हैं, या आप कुछ अलग उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, या आपके अंदर गंदा विचार आ रहा है किसी महिला या किसी लड़की को देखकर, या किसी लड़की को किसी लड़का को देखकर, तो समझ जाइए कि आप नरक में सीधे जाने वाले हैं, आपके लिए भगवान सीधे नरक का दरवाजा खोल देंगे, और आपका पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, आपको कुछ भी नहीं आएगा, सीधे नरक में जाते रहिएगा कंटिन्यूसली,
ठीक है, तो नरक का द्वार खुल जाएगा। क्रोध, क्रोध ना करिए बिना मतलब के, छोटी छोटी बातों पे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तब अच्छा लगता है ना जब रियली में बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, तब क्रोध आता है। जैसे राम जी पहले समुद्र से रास्ता मांगे, 3-4 दिन तपस्या किए, नहीं मांगे, तब क्रोध दिखाए थे कि समुद्र सुखा देंगे, है ना। मगर शुरू में क्रोध नहीं किए। लक्ष्मण जी कह रहे थे भैया कह ले जा रहे हैं प्रार्थना उर्थना करने, ये को ब्रह्मास्त्र मारते हैं पूरा सुखाइए देते हैं समुद्र को, कहते नहीं बहुआ क्रोध नहीं करना चाहिए, नरक का द्वार होता है, क्रोध मत करो, है ना। क्रोध करने से आदमी का नाश हो जाता है, गुस्सा मत करो, समय रखो, पहले प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, पहले मांगते हैं, रास्ता नहीं देंगे तो कोई उपाय होगा ना। तो क्रोध नहीं करना चाहिए और लोभ बिल्कुल नहीं करिए। मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, काबिल बनिए और खूब धन कमाइए, जो चीज़ चाहिए उसे खरीदिए, मगर किसी चीज़ के, किसी दूसरे के चीज़ पर लालच नहीं कीजिए, क्रोध नहीं कीजिए, है ना। यही बात यहाँ पे बताया गया है कि नरक जाने के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। क्या क्या चीज है? काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब ये वाला काम नहीं, काम का मतलब समझ गया ना, वो वाला काम है ना। काम, क्रोध और लोभ कीजिएगा तो सीधे नरक में जाइएगा, ठीक है। और क्लास में उघाइएगा तो समझिए सीधे पिटाई लगेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला श्लोक, सॉरी 6 नंबर। सर्दोषा पुरुषेन हत्व्या भूति मिक्षता निंद्रा तांद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। किसी भी व्यक्ति में 6 दोष होता है, 6 दोष, 6 गलती है। अगर वो 6 गलती को आप निकाल दीजिएगा तो आप सक्सेसफुल इंसान बन जाइएगा, आप सफल हो जाइएगा, गारंटी है। 100% में 100% नंबर आएगा, मैट्रिक में 500 में एक भी नंबर कम नहीं आएगा। 6 चीज़ को अपने अंदर से निकाल दीजिएगा तो, और 6 चीज़ के कारण ही आप हमेशा फेल होते हैं या आपका नंबर कम आता है। 6 चीज़ कौन कौन है ध्यान से सुनिए, 6 चीज़ को त्यागना पड़े। वो कौन कौन चीज़ है? निंद्रा, नींद, देखिएगा नींद होता है आदमी का, नींद। निंद्रा का मतलब क्या होता है? अधिक सोना। नींद तो सबको आती है, 7 घंटे 8 घंटे सोने का टाइम है। अब 7 से 8 घंटा सोने का टाइम है, आप सोते हैं 10 घंटा 9 घंटा 11 घंटा 12 घंटा सोते हैं तो आप समझिए कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, निंद्रा आपको हो गया गया। अगला है तांद्रा, तांद्रा मतलब क्या? उंघाना। क्लास में बैठे हुए हैं सर जी पढ़ा रहे उंघारा, देखा दुआ उंघारा, वो तांद्रा हो गया। क्या हो गया? तांद्रा है ना। डर क्या होता है? डर। क्लास में क्वेश्चन पूछना था, सर जी कहते क्वेश्चन पूछो, मैं डर लग रहा था कि पूछे कैसे। अगर वो डर गया कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो नहीं बढ़ सकता। क्रोध, जिसको बार बार छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा आता रहता है। आलस्य, अच्छा आलस्य है, अच्छा कर लेंगे, हो जाते बाद में, जब देखें कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आलस्य है उसको। और अगला है किसी काम को देर तक करना, उसको कहते हैं दीर्घ सूत्रता। क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्रता। किसी काम को देर तक करना मतलब कि अभी पढ़ के गए तो अभी होमवर्क बनाना चाहिए, अच्छा खा पी लीजिए तो घूम घूम लीजिए तो बाद में बना ले, भाई बना भी के ना, दिन तो अपने हैं, बाद में बना ले। फिर शाम को सोचे क्या बैठे, अच्छा साँझ के बना ले बैठ के, ताले घूम लीजिए, बराती ओकरा लेते देख लीजिए, है ना, ओका बिलौकी मंगाई जाए तो झाँक के देख लीजिए कैसे बजा बजे, है ना। ओकरा बाद में क्या होता है, शाम को बैठे पढ़ने तो क्या जयमाला हो के जन्म हुई बराती तक घूमिए के चल अबे, ओकरा बाद में शाम को ना बैठे ऐसा सुबह में पढ़ ले, अच्छा रात में जयमाला देख लेते सुबह में नींद कैसे टूटेगा, अच्छा कल पढ़ लेंगे, हो गया। ऐसे पढ़ते पढ़ते समय को टालते जाएगा, अपना काम को आज का काम कल के, अभी का काम बाद में कर लेंगे, बाद का काम शाम को कर लेंगे, शाम का काम सुबह में कर लेंगे, सुबह का काम ऐसे करना, ऐसे करते 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 वो काम को टाल देगा, वो करते रह गया काम, हो गया अच्छा बाद में फिर कर लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, करते रह गया। ऐसे व्यक्ति ही करते हैं। और यही 6 कारण है, नींद के कारण से, औंघाना के कारण से, डर के कारण से, क्रोध के कारण से, आलस के कारण से, और काम को देरी तक करेंगे, बाद में कर लेंगे, इसी कारण से ना आदमी सफल नहीं होता है। अगर आप नींद को कंट्रोल कर लीजिएगा, भैया हम 7 घंटा सोएंगे, 8 घंटा सोएंगे, उससे ज़्यादा नहीं सोएंगे, आप तंद्रा, आप किसी भी काम के करने समय, पढ़ने समय उंघाइएगा नहीं, पढ़ने के समय आपको नींद नहीं आता, उंघ ही नहीं लगता है, तो समझिए उंघाना बंद कर दीजिएगा, तो उंघाना बंद कर दीजिए। अगला डर, क्लास में जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पूछेंगे, चाहे सर जी मारे चाहे गला काट दे, हम पूछेंगे सवाल, चाहे सर जी कितनों मारेंगे कितनों डांटेंगे, तो ये सवाल पूछेंगे, तो ये डर खत्म हो जाएगा। तो डर खत्म कर लिया तो भी हो जाएगा। उंघाना जो है ना, उंघाना मतलब आप उंघा रहे उसको छोड़ दिया तो हो जाएगा। ये सोना है ना आपका, नींद है ना, नींद है ना आपका, क्या ये नींद, नींद जो है ना आपका 6 से 7 घंटा होना चाहिए। उंघाना बंद कर दीजिए, डर, डरिए नहीं, क्रोध नहीं कीजिए बिना मतलब के, फालतू में गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा से आदमी का शक्ति बुद्धि सब नष्ट हो जाता है,
जितना ज्यादा गुस्सा कीजिए किसी पे भी, अपने आप पे कीजिए चाहे किसी दूसरे पे कीजिए, गुस्सा आपके अंदर आ रहा है तो समझिए आपका पढ़ाई का बुद्धि खत्म हो रहा है, पढ़ाई वाला बुद्धि खत्म हो जाएगा। देखिएगा आप किसी झगड़ा उगड़ा करके आइए क्लास में बैठिएगा, कुछ और समझ में नहीं आएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्रोध को छोड़ दीजिए, क्रोध किसी दूसरे पर भी नहीं कीजिए और अपने आप पे भी क्रोध नहीं कीजिए, गुस्सा मत कीजिए किसी पर। अगला क्या है, आलस, आलस को फटकने मत दीजिए। आज कोचिंग जाना है तो कोचिंग जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना है तो पढ़ना है, सीधी बात, जो काम करने का टाइम वो काम करना है, और आलस नहीं कीजिए। और किसी काम को तुम्हारे का दीर्घ सूत्रता, क्या दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता, कोई काम को कल पे मत छोड़िए, आज का काम अभी और किसी भी समय कैसे भी हो, आज तक जितना पढ़ाई हो गया आज तक का फिर आज तक ही होना चाहिए, कल नहीं जाएगा वो, चाहे हम 4 दिन ऑब्सेंट किए हैं चाहे 4 महीने ऑब्सेंट किए, उसे मतलब नहीं रखता है, बस काम जहां तक है वहां तक आज कंप्लीट होना चाहिए, चाहे जी के करें या मर के करें, वो काम को कर ही के छोड़ेंगे, ये जिद होनी चाहिए अंदर से, ये काम जो मेरा यहां तक हो गया है पाठ, 7 तक पाठ पढ़ाई हो गया है, किसी भी कीमत में 7 तक पूरा करिए के छोड़ेंगे उसको। अब हम सर 20 दिन क्लास नहीं आए थे, देखिए उसको उंघाना आ रहा है, कैसे होगा, वो उधर उंघा रहा है, उधर उंघा रहा है, तो कैसे होगा, वो कभी आगे बढ़ेगा, आपको क्या लगता है, आपको नंबर आ जाएगा, ये 6 गो दुश्मन है आपका, 6 गो चीज़ को आपको ऐसे ही डुबाएगा, ऐसे ही मुआएगा आपको, ये 6 गो बड़ा खतरनाक दुश्मन है, आपको घेर के रख लेगा, आपको मुआ देगा, उसके बाद कहने का मतलब आपका पूरा करियर बर्बाद कर देगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पढ़ाई में नंबर कम आ गया, जीवन में ही आप फेलियर हो जाइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि आप खाली पढ़ाई में कमजोर हो जाइएगा, आप हर चीज़ में धीरे धीरे कमजोर होते जाइएगा। अगर ये 6 दुश्मन आपके पीछे रहेगा ना, किसी बिजनेसमैन को हो गया तो बिजनेस नहीं चलेगा उसका, किसी IAS ऑफिसर को हो गया तो उसका DM जो SP बना उसका भी रिजाइन देना पड़ेगा, उसका भी नौकरी खत्म हो जाएगा उसका, किसी रेलवे ड्राइवर को हो गया तो बेचारा ट्रेनें को उल्टा देगा, किसी जवान को हो गया तो बेचारा कहीं कोई नींद में अपने आदमी को गोली मार देगा, है ना, डॉक्टर को हो गया तो चिन्नाता रहेगा, यहाँ पर ऑपरेशन कर देगा, यहाँ पर ऑपरेशन, ये किसी भी आदमी को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम्ही को चाहिए, विद्यार्थी को, किसी को नहीं चाहिए, ये 6 दुश्मन आदमी का दुश्मन है, विद्यार्थी का नहीं, हर एक आदमी और औरत का, सभी लोगों का, जितने भी जीव है धरती पे, इस 6 गो दुश्मन है उसका, ये 6 दुश्मन को अगर आप मार दीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा, विजय प्राप्त कर लीजिएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप जो काम कीजिए, दुनिया का कोई भी काम कीजिए, ये सफल होने के लिए जरूरी है ये सब काम। अगला देखिए क्या है, अगला है सत्येन रक्षते धर्मो, 7वां नंबर श्लोक देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते विद्या रक्षते रूपं कुल वृत्तेन रक्षते, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से क्या होता है, सत्य बोलिए, झूठ बोलने का आदत मत डालिए, सत्य बोलिए, पिटाई खाइए मगर सत्य बोलिए, गलती हो जाए स्वीकार कीजिए, सत्य बोलिए, है ना। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जो चीज याद नहीं होता खूब पढ़िए, अभ्यास कीजिए पढ़ने का, खूब पढ़िए याद हो जाएगा, कोई सवाल मैथ का नहीं बन रहा, बार बार बनाइए, देख देख के उसको 5 बार 6 बार 7 बार बनाइए, फिर मुझमानी बनाइए, फिर देख के बनाइए, फिर मुझमानी बनाइए, देखिए वो सवाल आपको आ जाएगा, कोई भी सवाल हो कितना भी कठिन हो उसको आप बार बार बनाइए ना, अभ्यास कीजिए ना। क्या कर रहा है, विद्या की रक्षा किससे होती है, अभ्यास से होती है, यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ क्या, विद्या योगे न रक्षते, विद्या की रक्षा योग यानी कि साधना से होती है, अभ्यास से होती है, अभ्यास कीजिएगा तभी आपको विद्या आएगा, तो विद्या नहीं आएगा। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिर्जा रक्षते रूपं, मिर्जा माने होता है क्या, अपटन, क्या होता है, अपटन या श्रृंगार, क्या होता है, श्रृंगार। अगर आपको रूप में सुंदर दिखना है, सुंदरता लानी है आपके अंदर, सुंदर हो आप, देखने में सुंदर लगे, इसके लिए आपको अपटन लगाना पड़ेगा, हल्दी चंदन इस सब लगाना पड़ेगा अपटन, या तो आपको श्रृंगार करना पड़ेगा, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, श्रृंगार करने से जितना सुंदर आप दिख रहे हैं उससे ज्यादा सुंदर दिखने लगेगा। और कुल वृत्तेन रक्षति, और आप चाहते हैं कि आपके कुल की रक्षा हो, आपका आने वाला जो बच्चा हो, आपके घर के जो लोग हो वो अच्छा हो, आने वाला जो बेटा पोता हो वो सब अच्छा हो, इसके लिए आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, तब परिवार अच्छा होगा आपका। जिस घर में आचरण वाला व्यक्ति नहीं रहता है, करेक्टरलेस व्यक्ति हो जाता है, जिसके मम्मी पापा, जिसके दादा दादी करेक्टरलेस हो जाते हैं, जिनको ध्यान नहीं देते अपने करेक्टर पर, चरित्र अच्छा नहीं हो उसका, तो उसका बच्चा भी चरित्रहीन होने लगता है, उसका पूरा खानदान चरित्रहीन हो जाता है,
समझ गया। इसीलिए खानदान को अच्छा करने के लिए ना आदमी का चरित्र अच्छा, आचरण अच्छा रखना चाहिए, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। आपके बाबा जी कोई गलत काम किए होंगे ना, कोई गलत काम किए होंगे ना, तो लोग आपको वही नज़र से देखेंगे, समझे। आपके पापा जी कोई गलती काम कर लेंगे ना, तो समाज में लोग आपको वही कहेंगे फलनामा के बेटी है, फलनामा का बेटा है, उसे कहेगा नहीं कहेगा, कहा जिसको गलती देखते हो या देखिए कहता अरे फलनामा ओकरे बाप ना, ओकरे बाप चोरी कर रही हूँ वहाँ पर, ओकरे बेटी है, चोरबा के बेटी है, ऐसे ही कहेगा, ऐसे ही कहेगा गांव में उसको, ऐसे ही कहेगा उसको गांव में, पूरा परिवार का नाश कर देता है वो। आचरण अच्छा बना के रखिएगा ना, तो सबका समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लोग आपको प्रतिष्ठित कहेंगे अरे अरे फलनामा के बेटा है, बाबा कितने दयालु थे रे, सबको हेल्प करते थे। तो आपको बाबा से आपकी पहचान एक बन जाती है, क्या बन जाती है कि बड़ा सुखमय होता है। देखिए तो क्या कह रहे थे, हाँ कि सत्य की रक्षा किससे होती है, धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, किसकी रक्षा होती है, याद कर लिया, सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म से रक्षा होती है, सत्य की रक्षा धर्म से होती है, ठीक है। विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या को रक्षा करना है तो किससे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर आप सत्य चाहते हैं तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म से होगा, नहीं नहीं गलती ना हो गया रे, उल्टा हो गया, गलती हो गया, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, सत्य से, बड़ी बड़ी गलती हो गया, सत्य से, हाँ अभ्यास की रक्षा नहीं, नहीं विद्या की रक्षा किससे होती है, अभ्यास से, याद कर लिया, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आता है इसे। रूप की रक्षा किससे होती है, श्रृंगार से या उपटन से, ठीक है श्रृंगार लिख लीजिए, श्रृंगार से, और परिवार की रक्षा यानी कुल, कुल या परिवार, कुल की रक्षा किससे होती है, आचरण से, अच्छे आचरण से होता है, ठीक ना, याद रहेगा ना, ये चार चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, धर्म की रक्षा से, विद्या की रक्षा से, रूप की रक्षा से, कुल की रक्षा से। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं आपका धर्म अच्छा हो तो सत्य बोलिए, आप चाहते हैं आपका अगर विद्यावान बने, विद्या अच्छा हो जाए आपका, बहुत बुद्धिमान हो जाए, इसके लिए अभ्यास कीजिए, आप चाहते हैं कि खूब सुंदर हो जाए तो श्रृंगार कीजिए, और चाहते हैं कि आपकी कुल की रक्षा हो तो आचरण कीजिए, आचरण अच्छा बना के रखिए ताकि आपका कुल खानदान का नाम रोशन होगा, है ना, आचरण अच्छा रखिएगा तो कुल खानदान का नाम रोशन बढ़ेगा। आप अच्छा काम कीजिएगा तो कहा सुन लीजिए, पापा के परिमत बनिए, पापा के शरणी बनिए, बहुत अच्छा कहावत है, बहुत अच्छा लगता है, पापा के परी बन के ज़्यादा घूमिए मत, पापा की शरणी बनिए, कि लोग कहे अरे तो पापा, अरे वो फलनामा के पापा है, फलनामा लड़की नहीं है, वो IPS बनी है, DM, उसी के पापा जी हैं, ला ला कुर्सी लाओ, इज्जत सम्मान करे, तुम्हारे पापा का तुमसे इज्जत बढ़ जाए, ऐसा काम करो कि तुम्हारे घर के नाम रोशन हो जाए उससे, ऐसे शेर बनो, शेर पापा के पारा मत बनो पापा के पारा, पापा के परी, तो पापा का पारा परी बनने की जरूरत नहीं करो, शेर से नहीं बनो, शेर बनो शेर, कि तुमसे पापा की पहचान बन जाए, लोग देखें ना कहे कि अरे 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 उनके पापा जिन हैं, अरे वीडियो नहीं बने DM, क्या वीडियो बने हैं, वो डॉक्टर नहीं बने हैं, वो सिविल इंजीनियर, उसके उनके पापा है, वो डॉक्टर है, सिविल इंजीनियर, उनके उनके पापा है, अब बैठाइए बैठाइए बैठाइए, आए बैठिए बैठिए बैठिए, लोग उनका यह सम्मान करें, आपका पहचान आपके पापा से नहीं बनना चाहिए, गलत, आप ऐसा नहीं कि फलनावा के हम उनका बेटा है, नहीं ऐसा नहीं करना पड़े तुमको, तुम्हारे पहचान से तुम्हारे गार्जियन का नाम रोशन हो, मतलब तुम्हारे जितने गार्जियन का नाम रोशन है ना, उसे तुम ज़्यादा नाम रोशन करो, ताकि सुनो कल हो के तुम्हारा नाम चले और तुम्हारे नाम से लोग पापा के नाम को जाने, तब तुम्हारी पहचान बनेगी। गाँव में जाओ तो अगर मेरा नाम कहो, मेरे नाम को जानता हो, पापा का नाम पूछे, वो ऐसा सर जी के बेटे पापा का नाम कहती है, तब मैं सफल हूँ। और पापा के नाम से हमको बताना पड़ रहा है कि हम फलनाथ शाह के लड़का हैं, तो हम सफल नहीं हैं,
लोग हमको पहचाने तो हम सफल हैं, नहीं तो सफल कहाँ है। सफल होने के लिए ना पापा के नाम से पहचान नहीं चाहिए, पापा का नाम आपसे हो जाए तब सफल हो जाए आप, है ना। इसलिए याद रखिए, कठिन मेहनत कीजिए, मेहनत करने के अलावा, ये सुनो, मेहनत करने के अलावा ना कुछ नहीं होता, फिर बताओ नहीं, मेहनत करने के अलावा कुछ भी नहीं तुम्हारा रास्ता बचा है, याद रखो, मेहनत करो, मेहनत। आज देखो ये क्या है, करा पूजनीय महाभागा पुण्यश्च गृहदीप्ताय स्त्रियों से गृह स्त्रियो स्त्रियो वा क्या है गृह गृहस्यो, बहुत बड़ा लंबा वर्ड है, लंबा वर्ड को पढ़ने का तरीका उपाय है ना, तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, क्या गृहस्यो गृहस्योक्ता गृहस्योक्ता पढ़ें गृहस्योक्ता अस्मा समृद्धेक्षा विशेषता, इसका मतलब क्या करा। देखिए पूजनीय महाभागा, जो स्त्री होती है ना, स्त्रियाँ किसी घर की जो स्त्रियाँ होती है ना वो पूजनीय होती हैं, पूजा करने योग्य होती हैं स्त्रियाँ, पूजा क्योंकि माँ दुर्गा का रूप होती है, स्त्रियों से ही पूरे संसार का जन्म हुआ है, तो स्त्रियाँ पूजनीय होती हैं। क्या करा है, स्त्री लक्ष्मी होते, स्त्रियों माता क्या था लक्ष्मी, स्त्रियाँ जो होती है ना घर की लक्ष्मी होती है, किसी घर भी इस घर में स्त्री का आदर नहीं होता है, सम्मान नहीं होता, उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है, उसके घर में हमेशा कंगाल पड़ रहता है, पैसा का हमेशा किल्लत रहता है, उसके घर में पैसा एक एक पाई के लोग मोहताज हो जाता है, भिकमंगा की स्थिति हो जाता है, जिस घर में स्त्री की रक्षा होती है, स्त्रियों को सम्मान किया जाता है, स्त्रियों को गाली गलौज नहीं करके उनको मतलब देवी के समान रखा जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं आती है, उसके घर में हमेशा पैसा बरसता रहता है, हमेशा पैसा आता रहता है उसके घर में, समझ गए। याद रखिएगा जिस घर में औरतें जो है ना रोती है ना उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है, है ना। स्त्रियाँ जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, या महान पुरुषों को जन्म देने वाली स्त्री होती, चाहे भगवान कितना भी भगवान महाबुद्ध हो, महावीर हो, चाहे कितना भी महान महान व्यक्ति हो, जन्म तो किसी स्त्री ने ही दिया है उसको, है ना। इसीलिए स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा देनी योग्य होती है, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों की इज्जत आबरू और उसकी सुरक्षा करने का दायित्व पुरुषों का होता है, पुरुषों को किसी स्त्री का इज्जत आबरू को बचाना चाहिए, न कि उसको सरेआम खुलेआम करना चाहिए, उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, समझे। जहाँ पे हो सके रक्षा कीजिए, अपने परिवार का हो या किसी की परिवार का हो, स्त्रियों की रक्षा करना पुरुषों का धर्म होता है, समझे ना। आला देखिए, आकृति विन्यो हंती हंत्यनार्थ प्रकर्म प्रकर्म हंती नित्य क्षमा क्रोध माहचारो, क्या क्रोध माहचारो हंत्य लक्षणम, क्या करा है, विनम्रता बदनामी को दूर करती है। अगर आपकी बदनामी हो चुकी है तो विनम्र बन जाइए, आपके विनम्रता से ही बदनामी आपकी खत्म हो जाएगी। अगर ये आदमी थोड़ा सा गलती किया है मगर अच्छा है, स्वभाव इसका अच्छा है, समझ जाएगा लोग। पौरुष या पराकर्म अनर्थ को दूर करती है, आपके अंदर पौरुष है, ताकत है, पराकर्म है, तो आप उसके साथ जो भी अनर्थ करेगा उसको दूर कर लीजिएगा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास ताकत है, आप उसका मुकाबला कर लीजिएगा, है ना। क्षमा क्रोध को दूर करता है, क्षमा करिएगा तो क्रोध शांत हो जाएगा, क्षमा करने का डाल लीजिएगा तो क्रोध गुस्सा नहीं आएगा आपको। और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है, और जितने अच्छे आचरण को अपनाइएगा आप, जितने बुरी आदतें हैं ना सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अच्छे आचरण को लगाइएगा, अच्छे लोगों के साथ रहिएगा, अच्छी चीज़ें किताबें पढ़िएगा, अच्छी अच्छी बातें सोचिएगा, अच्छा बनने की सोचिएगा, किसी के बारे में अच्छा करने की सोचिएगा, तो अच्छा आचरण हो गया तो अपने आप बुरा आदत जो है ना खत्म हो जाएगा। अब बुरा आदत को ख़त्म मत कीजिए, वो ख़त्म नहीं होगा जल्दी, आप अच्छा आदत को अपनाइएगा ना तो बुरा आदत अपने आप भाग जाएगा, समझे ना, अपने आप निकलने लगता है वो, ठीक है ना। इसलिए अच्छा बनने की कोशिश करिए, बुराई को ख़त्म नहीं कीजिए, अच्छाई को अपनाइए, अपने आप बुराई ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात है, तो यही सब था आपका नीति श्लोक का पाठ, समझ में आ गया, ये 10 श्लोक थे।